हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज आजम एंड आज की वीडियो डोमिनार 250 वर्सेस ड्यूक 250 है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल वीडियो, मतलब इतना कमेंट आया कि भाई वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। तो फाइनली आज वीडियो शूट करने आ गए एंड ये जो वीडियो है मेन बेसिकली शूट करने का रीज़न ये है और कमेंट करने का लोगों का रीज़न ये है क्योंकि ये दोनों बाइक जो है सेम इंजन है, मतलब डोमिनार और ड्यूक, मतलब बजाज ही के अंडर दोनों कंपनी है, KTM और बजाज। तो दोनों का इंजन जो है थोड़ा बहुत ट्यून्ड है। यहाँ पे ये डोमिनार जो 250cc एंड वो भी 250cc है। तो पावर की बात करें तो डोमिनार में थोड़ा कम पावर है, वेट ज़्यादा है। ड्यूक में बात करें तो ड्यूक का वेट कम है, पावर डोमिनार से ज़्यादा है। एंड प्राइस की बात करें तो ड्यूक का प्राइस ज़्यादा है, बट हाँ प्रीमियम फील आपके ये देख सकते हैं कि ड्यूक होती है एंड डोमिनार आप देख सकते हैं डोमिनार भी प्रीमियम फील होती है, बट हाँ क्या बोलते हैं ज़्यादा अच्छा राइड के लिए आपकी ड्यूक 250 ही है, मतलब सिटी में रोड प्रेजेंस वगैरह के हिसाब से। तो अभी जो है हम लोग करने वाले हैं इन दोनों का रेस। पांडे चलाएगा फर्स्ट टीम में, क्या चलाएगा हाँ एंड हम चलाते हैं डोमिनार और रेस शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छा रेस हो रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल है, डिमांडेबल है, उसमें से दोनों पावर से भरी हुई बाइक है दोनों, तो रेस करने में मज़ा आएगा क्योंकि जिक्सर से हमने डोमिनार 250 का किया था तो एक्सेलरेशन में तो जिक्सर निकल रही थी, बट अगर देखा जाए तो मतलब उस टाइम पहली बार डोमिनार 250 टॉप स्पीड अचीव कर रही थी। जिक्सर भी वैसे वो BS4 था। हाँ BS4 था, BS6 से देखे तो ये दोनों बाइक BS6 है, तो यहाँ पे तो अच्छा रेस होगा। तो लेट नहीं करते हैं, चलते हैं रेस शुरू करते हैं, मिलते हैं GoPro पे और देखते हैं कि कौन होता है विनर। और थोड़ा सा ड्रॉबैक हो गया कि मेरे हेलमेट में माउंट नहीं है, तो हम लोग दो अटेम्प्ट करके दिखाएंगे कि क्या होता है कैसे होता है एंड फिर कभी वीडियो शूट करेंगे तो उसमें आपका दोनों कैमरा आपको शो होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। था पांडे आगे निकल गया, स्लिप स्टील ले रहा हूँ मैं। पावर थोड़ा मैटर कर रहा है, इधर विंड ब्लास्ट ज़्यादा है और स्लिप लेता हूँ 161। वाव वाव वाव, क्या भाग रही है भाई, 161 टच कर गई। अभी तो वोल्टेज ले लिया हूँ, टेक लिया, सारा खेल इधर स्लिप स्ट्रीम का चल रहा है। फिर से विंड ब्लास्ट आते ही बाइक की पावर थोड़ा डाउन हो जाती है। लेकिन ड्यूक 250 ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है यहाँ पे, वो विंड ब्लास्ट को काटते हुए आराम से आ रही है। स्लिप स्ट्रीम थोड़ा लगता है पांडे कर रहा है, बट नेक टू नेक में ड्यूक 250 आगे है और आगे वो निकल रही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो अभी तो ये पता चलेगा कि डोमिनार 250 का मीटर एक्यूरेट है या नहीं, क्योंकि पांडे से पूछता हूँ कि वो कितना स्पीड ले गया था। पांडे कितना टॉप स्पीड थी? 161 चली गई। 161 हाँ
तो पता है देखा जाए ना तो 5 का इधर है, 5 का सो अब जो है सेकंड अटेम्प्ट करता हूँ, पांडे चलाएगा डोमिनार और मैं चलाऊंगा ड्यूक 250 और देखते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन में जो है वो आपकी ड्यूक 250 काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। एक्सीलरेशन के मामला में कोई इसका तोड़ नहीं, टॉप में पता है एक्सीलरेशन में ड्यूक से तो जीत नहीं पाएगा, लेकिन लेकिन अगर नेक टू नेक करें ना तो विनर 250 ही होगी। बहुत अच्छा रहेगा रिजल्ट। अभी इधर से करते हैं, ये ना एकदम वैल्यू फॉर मनी है, वैल्यू फॉर मनी है, ये बात तो है। और बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 161 मतलब ये है कि मीटर एक्यूरेट नहीं है। ओवरटेक कर रहे थे ना, इससे फिर इसको ओवरटेक करने में टाइम लगा था बिना स्लिपस्ट्रीम के नहीं। हाँ, दोनों मेन हवा उस साइड ज्यादा है ना, इस साइड देखते करके ये बिना स्लिपस्ट्रीम के ना हाँ। ओवरटेक करने पे नहीं ओवरटेक कर रहा, दोनों नेक्ड है ना, एक बार जो ओवरटेक कर रहा है तो फिर दिक्कत। लेकिन हाँ, जब थोड़ा देर के नेक टू नेक आए थे ना तो ये निकल गई थी, पावर थोड़ा सा इसमें ज्यादा ये है, क्यों दोनों इंजन लगभग सेम ही है ना दोनों, तो हाँ कॉन्फिडेंस कम है, ये थोड़ा स्टेबल है और स्मूथ फील होता है इसमें। तो अब मैं चलाता हूँ ड्यूक 250 और पांडे चलाएगा डोमिनार 250 एंड देखते हैं कि सेकंड अटेम्प्ट में क्या रिजल्ट आता है। फर्स्ट में तो अपनी ड्यूक 250 थोड़े से विनर हुई, एक्सीलरेशन में ड्यूक 250 थी एंड टॉप में ही डोमिनार निकली एंड फिर से पीछे हो गई। तो चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। मैं आगे निकल चुका हूँ, यहाँ पे स्लिपस्ट्रीम का फायदा मिला, लेकिन पावर तो देखिए पावर है, डोमिनार है लेकिन इसमें पावर है कि नेक टू नेक पे ये निकल जाती है, ओवरटेक कर लेती है। डोमिनार पीछे हो जाती है, स्लिपस्ट्रीम करके वो आगे आती है बट फिर विंड ब्लास्ट का ज़्यादा उसमें इफेक्ट पड़ता है, वो पीछे हो जाती है। कितना गई थी? 161 जा रही है ना, पता है अगर लंबा स्लिपस्ट्रीम करें तो हमको लगता है 161 से ऊपर जाए। तो मेन यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों बाइक का क्या है स्लिपस्ट्रीम करने पे आगे निकल, लेकिन अगर नेक टू नेक में ना ये आगे नहीं, क्योंकि विंड ब्लास्ट जब फेस करता है ना तो ये पीछे नहीं होती, ये हो जाती है। हाँ हाँ, लेकिन फिर इसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट कम है, तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है यहाँ पे डोमिनार भी एंड ड्यूक 250 तो करती है। एंड हाँ, मीटर एक्यूरेट बोले तो ये आपका ड्यूक 250 का मीटर एक्यूरेट है, ये 144 तक जा रही है, 145 तक ये ओवरटेक करते हुए 160 गई। हाँ, और फिर बैक होते होते 150। हाँ, तो बोला ना 5-6 का फर्क है इधर, क्योंकि डोमिनार बजाज के गाड़ी में तो BS6 लाया तो और इधर कर दिया है। सो यहाँ पे देखा जाए तो जो ओवरऑल विनर थी वो ड्यूक 250 थी, टॉप में स्लिप स्ट्रीम करने पर ये करने में डोमिनार ओवरटेक कर रही थी लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म की। अगर कहा जाए कि पर्टिकुलर 2 लाख तक, हाँ अगर देखा जाए वैल्यू फॉर मनी तो वैल्यू फॉर मनी डोमिनार 250 है, अगर आप चाहते हैं 2 लाख में लेना तो डोमिनार 250 मतलब अगर हमको होता तो हम ले लिए होते। हाँ,
क्योंकि लगभग 240 में ये दे, उससे अच्छा है ये ले। हाँ, और अगर आपको 240 खर्च करना है तो फिर डोमिनार 400। हाँ, डोमिनार 400 नहीं, डोमिनार 400 से अच्छा, क्योंकि ये फन टू राइड है ना, वो ज़्यादा हैवी है, एंड उसका ब्रेकिंग ब्रेकिंग भी जैसे इसका जितना अच्छा फील होता है उसमें फील नहीं है। अब ये प्रीमियम लगती है, अगर देखा जाए तो ये दोनों प्रीमियम ये फील होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, एंड जल्दी से हमारे चैनल पर अगर न्यू है तो जाके चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। तब तक के लिए बाय बाय।